बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से एंड्री मार्क ने एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की है और ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत हुई है, ये जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति दफ्तर के प्रमुख ने एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की है और क्या बातचीत हुई है, किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये शुरुआती जानकारी एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत ने अगर हम इस युद्ध को देखें तो यूक्रेन के साथ भी था और जो भारत की कूटनीति है उसी के जरिए युद्ध को सुलझाने की बात कही गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर जताई है नाराजगी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में डीसीपी सम्मेलन में उपराज्यपाल ने कहा, सिर्फ सीसीटीवी लगा देने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। यूपी में कावा गाने वाले नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने भेजा नोटिस, 3 दिन में नोटिस का मांगा जवाब, नेहा पर गानों के जरिए नफरत फैलाने का आरोप। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई, उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, आज 3:30 बजे होनी है सुनवाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले लोकसभा में शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाए जाने का उमर अब्दुल्ला ने किया विरोध, सरकार ने 1 अप्रैल से संपत्ति पर टैक्स वसूली जाने का किया ऐलान। हरियाणा के पलवल में भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर और अन्य 4 आरोपियों के समर्थन में हुई महापंचायत, बड़ी संख्या में लोग महापंचायत में शामिल हुए। राजस्थान में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी, भीलवाड़ा में पीएफआई सदस्य के ठिकाने पर छापेमारी, मौके से मोबाइल समेत संदिग्ध दस्तावेज जब्त। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया कर्मचारियों और यात्रियों के बीच बहस, दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी की वजह से भड़के यात्रियों को आया गुस्सा। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने चीन के एक नागरिक को हिरासत में लिया, चीन के नागरिक पर भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। डीआरआई ने पटना मुंबई और पुणे से 100 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया है, पटना में गिरफ्तार किए गए सूडान के 2 नागरिक। तुर्की और सीरिया में भूकंप से पहले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, भूकंप से कुछ सेकंड पहले आसमान में एक नीले रंग की रोशनी चमकती दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, ट्रेन के कई विंडो ग्लास टूटे, आरपीएफ ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। मुंबई साइबर सेल का बड़ा पर्दाफाश, मुंबई क्लब की सदस्य दिलाने के नाम पर हाई प्रोफाइल लोगों से करोड़ों की ठगी, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संपत्ति टैक्स जमा नहीं करने पर दिल्ली नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, टैक्स जमा नहीं करने पर टीडीआई मॉल को सील किया गया, टीडीआई मॉल पर करीब 9 करोड़ का टैक्स बकाया था।